हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वो भी सिर्फ अपने स्मार्टफोन की हेल्प से। चाहे आपके पास एक iOS डिवाइस हो या फिर चाहे आपके पास एक एंड्रॉइड डिवाइस हो, कैसे बैकग्राउंड चेंज करा जाता है अपने स्मार्टफोन के थ्रू, कंप्यूटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो मन में आए वो बैकग्राउंड लगा सकते हो, चाहे तो एक वीडियो लगा सकते हो बैकग्राउंड में या फिर चाहे एक फोटो लगा सकते हो, जो मन में आए वो लगा सकते हो अपना बैकग्राउंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक टिप है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप अपना बैकग्राउंड रिमूव करने वाले हो तो मैं बोलूंगा कि आप अपने बैकग्राउंड में एक ग्रीन स्क्रीन यूज करो, ग्रीन स्क्रीन लगाओ। ग्रीन स्क्रीन क्या होती है? एक सिंपल सा एक कपड़ा होता है। अगर आपको ग्रीन स्क्रीन के बारे में नहीं पता क्या ग्रीन स्क्रीन होती है, कैसे यूज होता है, क्या बेनिफिट होते हैं, और साथ ही साथ तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पे देख सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने ये भी बताया कंप्यूटर से कैसे रिमूव करी जाती है। ठीक है, इस वीडियो में बात करें कैसे फोन से रिमूव करना है। तो मैं बोलूंगा कि बैकग्राउंड में एक ग्रीन स्क्रीन यूज करो, फिर उसके आगे अपनी वीडियो शूट करो, पूरी वीडियो शूट कर ली, फिर उस वीडियो को लेके चलो अपने स्मार्टफोन की तरफ। तो बढ़ते हैं स्मार्टफोन की तरफ। अब स्मार्टफोन से बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी जिसके थ्रू हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बहुत सी एप्लीकेशन है, इस वीडियो के लिए हम काइनमास्टर यूज करने वाले, पावर डायरेक्टर और भी बहुत एप्लीकेशन है, काइनमास्टर यूज करेंगे। तो अगर आपके पास एंड्रॉइड है, iOS है, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले काइनमास्टर ओपन कर लेते हैं। काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है सबसे पहले, तो इसमें क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है, अगर आपको यूट्यूब के लिए वीडियो क्रिएट करनी है, यूट्यूब पर एडिट करनी है तो 16:9, अगर आपको इंस्टाग्राम IGTV के लिए करनी है 9:16, अगर आपको स्क्वायर करनी है तो 1:1, 16:9 करते हैं यूट्यूब के लिए करनी है हमें। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अपना बैकग्राउंड चूज करना है, बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करना है हमें प्रोजेक्ट में। तो बैकग्राउंड हमारा ये ग्रे बैकग्राउंड रहने वाला है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और टेक। ठीक है, बैकग्राउंड आ चुका है हमारे टाइमलाइन में। अब लेयर के अंदर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है। अब उसके बाद हमें अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी है, वीडियो चूज करनी है जो हमने ग्रीन स्क्रीन के आगे बनाई है, जिसमें बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन है, ये वीडियो हमारी। अब अगर आपकी वीडियो, अगर आपके बैकग्राउंड में पूरी ग्रीन स्क्रीन है तब बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आपको क्रॉप करने की ज़रूरत है तो क्रॉप कर सकते हो। जैसे मेरे पूरी ग्रीन स्क्रीन है, मेरे को ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होती, कहीं बैकग्राउंड में वॉल दिख रही होती है, ग्रीन स्क्रीन छोटी होती है, फिर तो मैं क्रॉप कर लेता, तो क्रॉप कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े। तो बैक कर लेता हूँ मैं। अब मैं इसे पहले टाइमलाइन में बराबर में ले आता हूँ, यहाँ पर साथ में इसको एक्सटेंड कर देते हैं एंड तक। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, इसको स्केल करना है, जो हमारी क्लिप है, वीडियो है, उसको स्केल करना है, उसको बराबर लाना है, जो हमारे बैकग्राउंड के बराबर में लाना है। ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से, और एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन, इस पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, अब बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड को हटाते हैं और ग्रे बैकग्राउंड लगाते हैं उसकी जगह। क्लिप सेलेक्ट की, क्रोमा की, क्रोमा की में आने के बाद हमको इसे इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद ये एप्लीकेशन काइनमास्टर जितना काम कर सकता था, जितने अच्छे से रिमूव कर सकता था, उसने कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ हमें थोड़े चेंजेस करना है और मैनुअली थोड़ा और इसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब कैसे चेंजेस करने, दो स्लाइडर मिलते हैं और तीन ऑप्शन मिलेंगे हमें, की कलर डिटेल करो, शो मास्क। सबसे पहले हमें शो मास्क पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद एक चीज़ बताऊँ अगर आप लोगों को, आपको अपना बैकग्राउंड जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसको ब्लैक रखना है, पूरा डार्क कर देना है, और जो आप हो, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसे वाइट रखना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं थोड़ा अराउंड, जो हमारा सब्जेक्ट है वो वाइट रहना चाहिए, को अराउंड 67, और जो हमारा ये वाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको अब शो मास्क हटाते हैं। अब हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे बॉर्डर आ रहे हैं जो, वो थोड़ा ग्रीन बॉर्डर आ रहा है, सही से रिमूव नहीं हुआ है अभी, तो थोड़े से और चेंजेस कर लेते हैं। अब देखिए तो हमारी ग्रीन स्क्रीन पूरी हद तक रिमूव हो चुकी है, ग्रे बैकग्राउंड आ चुका है। अब लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम है, उसमें थोड़े चेंजेस कर लेते हैं, थोड़े एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसको टिक किया, अब क्लिक किया, इसके नीचे यहाँ पर एडजस्टमेंट में चले गए, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करते हैं, इससे क्या होगा, दोनों मैच हो जाएंगे, बैकग्राउंड और हमारा जो ग्रीन स्क्रीन वाली क्लिप है वो मैच हो जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट और थोड़ा अगर ब्राइटनेस इस सब की जरूरत है तो वो भी कर सकते हो, मेरे को जरूरत लग नहीं रही है मेरी क्लिप में, अगर आपको जरूरत पड़े तो वो कर सकते हो। अब हमारा पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, अगर मैं इस क्लिप को प्ले करूं तो क्लिप परफेक्टली हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, अगर देखें तो। ये पूरा तरीका था बैकग्राउंड रिमूव करने का, कैसे आप अपने स्मार्टफोन की हेल्प से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। लेकिन एक चीज आती है यहाँ पर, अगर आप इस क्लिप को एक्सपोर्ट करोगे, आप फ्री में अगर काइनमास्टर यूज कर रहे हो तो मेड विद काइनमास्टर ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, लेकिन आप उसको रिमूव कर सकते हो वाटरमार्क को, वो कैसे कर सकते हो, तो ठीक है, ट्राई कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ दोनों एप्लीकेशन के लिंक प्ले स्टोर और iOS के लिए
नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर ग्रीन स्किन परचेस करना चाहते हो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और कुछ बैकग्राउंड है जो मैं यूज करता हूँ उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबको डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो, यूज कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो अपनी वीडियोस। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगली वीडियो मिलेंगे, फिर तब तक ले ताड़ा।